अशोषित समाज जिसको दलित वर्ग कहते हैं, शेड्यूल कास्ट कहते हैं, ये छुआछूत दूर होनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद इसके लिए लड़ रहा है, काम कर रहा है। हर गांव में एक कुआं, एक मंदिर या गुरुद्वारा, गुरुद्वारे में तो सब लोग जाते ही हैं, मंदिरों में कहीं कहीं समाचार मिलते हैं, एक शमशान घाट सबके लिए, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद निरंतर संघर्ष कर रहा है और बहुत बड़ी मात्रा में हमको ये छुआछूत की बात को दूर करने में सफलता भी मिल रही है। पंजाब धर्म की धरती है, गुरुओं की धरती है। दुर्भाग्य से पिछले दिनों यहाँ धर्मांतरण की बहुत गतिविधियाँ तेजी से बढ़ी और इसके लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अध्यक्ष बीबी जागीर कौर और अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, इन दोनों ने चिंता व्यक्त की। हम उनकी इस चिंता का स्वागत करते हैं और हर प्रकार का सहयोग देने का आश्वासन देते हैं। जत्थेदार साहब ने कहा कि हम 150 जत्थे बनाएंगे। बीबी जागीर कौर ने भी कहा जो जत्थे रोकेंगे धर्मांतरण की गतिविधियों को, हम उनसे अपील करते हैं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता इन जत्थों में शामिल होने के लिए अपने आप को तत्पर करते हैं। नंबर दो, हम पंजाब सरकार से निवेदन करते हैं, अपील करते हैं, धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए। अवैध धर्मांतरण किसी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अकाल तख्त, गुरुद्वारा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और विश्व हिंदू परिषद, हम सब मिलकर पंजाब को अवैध धर्मांतरण से मुक्त करा सकते। सर, हिंदू विश्व परिषद की क्यों ये जो मुस्लिम या क्रिश्चियन में जा रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद क्यों रोक नहीं पा रहा इस धर्मांतरण को? जिन जिन प्रदेशों में कानून बना, क्योंकि गैर कानूनी है ये सारी दुनिया जानती है, सुप्रीम कोर्ट कहता है, हमारा संविधान कहता है, लेकिन जहां जहां कानून बने हैं वहां वहां इनकी गतिविधियों पर रोक लग रही है। कई NGO बंद हुए हैं, कई इनके गिरोह पकड़े गए हैं धर्मांतरण करने वाले, उनको सजाएं भी हो रही हैं उन सब प्रदेशों में। इसलिए हम पंजाब सरकार से अपील करते हैं वो यहाँ की भावनाओं को समझें और कानून बनाएं। विश्व हिंदू परिषद इसके लिए क्या क्या काम करें? मैंने इसीलिए एक शब्द प्रयोग किया, अवैध धर्म। ये हमारा हमेशा से परंपरा रही है, शास्त्रार्थ होते हैं, बहस होती है, चर्चा होती है, आप कहेंगे आपका मत अच्छा है, मैं कहूँगा मेरा मत अच्छा है, आप जीत गए मैं आपका मत स्वीकार कर लूंगा। इसीलिए इंडिविजुअल की है ना, लेकिन अवैध ढंग से करना, भोले व्यक्ति को झूठ बोलना, बहकाना, या कई प्रदेशों में जबरदस्ती, कैमरे की तरफ, कोर्ट ऑफ लॉ,